दोस्तों एक बात कहो, इट इज रियली सैड कि जितना भी हम कोशिश करें, जितने भी गूगल एप्पल कोशिश करें सिक्योरिटी मेजर्स लेके आने की, हैकर्स स्कैमस्टर्स जो होते हैं ना, नई नई चीजें नई नई तरीके निकालते हैं वो आपका डेटा वगैरह जो है, आपकी प्राइवेसी जो है, आपके जो पैसे हैं वो थेफ्ट करने की। जी हाँ, देखिए ये वन टाइम चीज नहीं है। सिक्योरिटी के सेटिंग्स कर दिए, एक बार फोन ले लिया, स्टार्ट में कर दिया और नहीं, नई चीजें जो आती हैं, नए सिक्योरिटी थ्रेट जो होते हैं उसके लिए नई नई चीजें आपको करनी पड़ती है। और इसीलिए हम ये वीडियो हर साल लेके आते हैं ताकि आपको बता सके नई नई चीजें क्या है। सो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, डोंट मिस अ सिंगल सेटिंग्स। वो सब चीजें तो है कि अननोन लिंक्स, अननोन ईमेल्स वगैरह, इसके ऊपर क्लिक मत कीजिए। बाकी सब चीजें मैं नहीं बताने वाला हूं, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो कर दिया है, बट दीज आर द लेटेस्ट वंस, सो यस डू इट। और दोस्तों ये सब रिसर्च, ये सब चीजें आपके लिए करते हैं। एक ही चीज है, आपको पता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक नया सेटिंग आ गया, वो सबने करना ही चाहिए, ऑन थेफ्ट डिटेक्शन लॉक। जी हाँ, ये रोल आउट हो रहा है अभी, जैसे ही आ जाएगा प्लीज गो टू सेटिंग्स एंड कीप इट ऑन। क्यों पता है? बहुत बार ऐसे होता है कि आप बात कर रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, कोई तो भी छीन के लेके जाता है फोन। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्टीलिंग अ फोन। तो अगर आपको इससे बचना है तो एक चीज कीजिए, जी हाँ, ये जो थेफ्ट डिटेक्शन लॉक है ना वो रख दीजिए, क्योंकि वो लेके भी चला गया ना तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि थेफ्ट डिटेक्शन लॉक ऑन होगा तो इमीडिएटली उसको पता चलेगा, वो लॉक कर देगा, स्क्रीन ब्लैंक कर देगा, उसे ऑथेंटिकेशन लगने वाला है उसके बाद में, सो ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो या कीप दैट इन माइंड, और उसकी वजह से फाइंड माई डिवाइस एक्टिवेट रखिएगा, आपको पता भी चल जाएगा आपका फोन किधर है। दूसरा ये जो है ना, ये भी बहुत सीरियस है और ये पता नहीं है लोगों को, अननोन ट्रैकर अलर्ट, ये अब नोटिफिकेशन देने लग गया है। अगर आपके पास एंड्रॉइड होगा या आईफोन होगा, दोनों ही फोन पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है कि कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा है। आपको पता है ये ट्रैकर्स आते हैं छोटे छोटे आजकल, ये या तो अल्ट्रा वाइड बैंड इस्तेमाल करते हैं या फिर लो एनर्जी ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं आपको ट्रैक करने के लिए। तो वो जो है वो ध्यान रखिए, अगर ये नोटिफिकेशन आता है कि कोई आपको ट्रैक कर रहा है कंटिन्यूअसली, आप ही ने अगर एयर टैग वगैरह डाला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर किसी और ने डाला है और आपको ट्रैक कर रहा है तो सोचिए, इट कैन बी वेरी वेरी सीरियस। तो अननोन ट्रैकर अलर्ट जो होता है उसके पास ध्यान दीजिए। तीसरी बात ना, ये रेगुलरली हर महीने में एक बार करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ऐसे दो तीन बार हो गया मुझे ऑफिस में, लोगों ने कहा ये ऐप तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया था, कहां से आ गया, किसी फोन के ऊपर एक कोई तीसरा ही ऐप इंस्टॉल्ड है। तो प्लीज आपके जो एप्स होते हैं अननोन एप्स स्पेशली चेक कीजिए एंड उन्हें अनइंस्टॉल कीजिएगा। यस, कभी कभी क्या होता है, आप एक कहीं से कोई थर्ड पार्टी से ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती है एंड दैट इज नॉट गुड। पहले तो प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर को छोड़ के दूसरे स्टोर से ऐप डाउनलोड बिल्कुल मत कीजिए, कुछ भी हो जाए डोंट डू इट। मतलब स्पेशली मैं बोलूं कहां पे प्रॉब्लम होता है, वो रील्स वील्स देखते हो आप, देखो हम ये ऐप दे रहे हैं जीबी व्हाट्सएप ये वो, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर इट। और अगर ऐसा कोई ऐप होगा अभी अनइंस्टॉल कीजिए, ऑफिशियल ऐप ही प्लीज इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों मैं कह रहा हूं इट कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली। और एक चीज, अब मैं थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में ही बोल रहा हूँ, बहुत बार प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी होते हैं, ऐप मार्केट होते हैं बहुत, मतलब आप वीवो लीजिए, आईक्यू लीजिए, इवन सैमसंग लीजिए, बहुत सारे फोन्स के ऊपर अलग अलग ऐप स्टोर्स होते हैं उनके खुद के, एंड यू नो दे आर नॉट रियली बैड। एक चीज आपको करनी है, आपको गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर इतना ही इस्तेमाल करना है। वो कुछ भी नोटिफिकेशन भेजे फिर भी प्लीज डू नॉट गो देयर एंड इंस्टॉल द ऐप्स या अपडेट द ऐप। कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकता है, बट देयर इज अ स्लाइट चांस, व्हाई टेक दैट चांस। बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं ना उसके अंदर उनके खुद के सिक्योरिटी एप्स होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऐप होते हैं कि रैम ऑप्टिमाइज कीजिए, स्टोरेज क्लीन कीजिए, डोंट यूज दोज एप्स। जनरली एंड्रॉइड होता है या फिर इवन आईफोन होता है, दे आर ऑप्टिमाइज्ड ऑन देयर ओन प्रीटी वेल। मतलब जो बैकग्राउंड में ऐप ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, स्टोरेज क्लीनिंग होता है, ये होता ही है। प्लीज डू नॉट यूज दोज थर्ड पार्टी एप्स या प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो होते हैं। और वैसी एक चीज है, मतलब हाँ ठीक है हाई एंड फोन होगा, बट फिर भी वर्चुअल रैम जो है ना, ये कभी कभी मुझे गिमिकी लगता है, एंड आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर इन वीडियोस एज वेल। हम कहते हैं अनबॉक्सिंग वीडियोस में इसमें वर्चुअल रैम आती है, बट यू नो यू रियली डोंट नीड इट, बंद करके ही रखिए, क्योंकि वो जो 4GB 8GB होता है वो स्टोरेज इस्तेमाल करता है और वो जनरली UFS 2.2 वगैरह होता है, उसका रीड राइट स्पीड होता नहीं है। रैम का स्पीड, एक्चुअल जो रैम होता है बहुत फास्ट होता है, जनरली ऑफ करके रखिए वर्चुअल रैम।
कस्टमाइजेशन सर्विस। अब बहुत सारे फोन्स में ना कस्टमाइजेशन सर्विस होते हैं, वन प्लस हो, ओप्पो, वीवो, पोको, आईकू, शाओमी, ये सब जो होते हैं ना, इनमें ग्लांस होता है या फिर एनहांस्ड सिक्योरिटी वगैरह ये ऑप्शंस होते हैं। जितना हो सके दोस्तों इन्हें ऑफ करके रखिए। और मैं ये एक ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो एक्स्ट्रा चीजें देते हैं ना, जनरली ऑफ करके रखिए। दे माइट नॉट कॉज हार्म, बट व्हाई ओपन द डोर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और एक चीज, ये हमने पहले भी बात की हुई है, लेकिन याद रखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि हम जेप्टो वगैरह इधर से ऑर्डर करते हैं और उनके नोटिफिकेशन जोमैटो के वगैरह कंटिन्यूअसली आते रहते, परेशान हो जाते हैं हम। और आपको लगता है कि अगर मैंने नोटिफिकेशन इससे बंद कर दिया तो मैं जब ऑर्डर कर रहा हूं तब मुझे डिलीवरी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, विच इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता करना है। बट नहीं, अब एंड्रॉइड वगैरह जो है ना, ग्रैनुलर कंट्रोल देता है नोटिफिकेशन के ऊपर, तो मार्केटिंग के जो नोटिफिकेशन होंगे और कुछ होंगे वो सब जो है वो ऑफ कीजिए, सिर्फ आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर डिलीवरी के नोटिफिकेशन होंगे उतने ऑन कीजिए। तो ग्रैनुलर कंट्रोल आपको अब मिलने लग गया है इन एंड्रॉइड, गो एंड डू दैट, ताकि ये बार बार जो नोटिफिकेशन आते हैं, बार बार जो डिस्टर्ब करते हैं ना, वो नहीं होंगे। हर एक महीने आपके जो सिक्योरिटी सेटिंग्स होते हैं गूगल अकाउंट के, उसके अंदर जाइए और दो तीन चीज चेक कीजिए। हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो आपने रखना ही चाहिए, ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ में एवरी मंथ और सो थर्ड पार्टी एप्स को जो आपने एक्सेस दिया हुआ है। अब देखिए, आप कोई AI का आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई AI का ऐप आपने इंस्टॉल किया या कुछ सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको गूगल अकाउंट का एक्सेस देना पड़ता है थर्ड पार्टी को, कि भाई दे कैन रीड द प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी उस थर्ड पार्टी सर्विस को या ऐप को जानते नहीं हो, वो डिस्कनेक्ट करके रखिए, या फिर आपने इस्तेमाल किया हुआ है और आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, तो वो थर्ड पार्टी एप्स जिसको भी एक्सेस दिया हुआ है, अगर आपको जरूरत नहीं है वो निकाल दीजिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हर महीने एक ऑडिट करते जाइए कि भाई ये जरूरत है क्या, नहीं है ना, बंद कर दो। That is what you need to do. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो होता है, बट बैकअप फोन नंबर्स होते हैं जहां पे अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होता है, आप अगर पासवर्ड फॉरगेट कर जाते हो, तो आपको एक ऑथेंटिकेशन बैकअप नंबर वगैरह लगता है। तो बहुत बार ऐसे होता है, इनफैक्ट साजिद के साथ ऐसे हुआ कि एक पुराना कोई नंबर था उसका, उसे पता भी नहीं था, बट दैट वॉज रजिस्टर्ड एज बैकअप फोन नंबर, तो वो निकाल दीजिए। आप जब बैकअप नंबर डालते हो रजिस्टर्ड, जहां पे आपको वेरिफिकेशन के लिए OTPs वगैरह आते हैं, उधर एक नंबर होता है, एड टू नंबर्स, एक आपका और एक और किसी का जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स है, आपके सिस्टर, मदर, फादर, वाइफ, जो भी स्पाउस, किसी का भी नंबर होगा वो डालिए। इसका मतलब आपका फोन भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भी, और अगर आपके अकाउंट का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो जो दूसरा नंबर है वो आपको उसकी मदद करेगा। सो कीप दैट, एक नहीं दो बैकअप नंबर रखिए, लेकिन अपने ही रखिए, और दूसरा कोई होगा तो निकाल दीजिए उसे। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं क्या फोन पे करता हूं, मेरे फोन पे तो मैं कुछ नहीं करता हूं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पास क्यों मैं ध्यान दूं, नहीं दोस्त, आपका जो स्मार्टफोन है ना, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होते जाएगा, आपका डेटा उसके ऊपर आते जाने वाला है। स्पेशली अब लोग स्मार्टफोन अपने खुद का एक्सटेंशन जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन शायद एक दो साल के बाद इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जब DDoS अटैक जैसे होते हैं ना, तो आपका सिस्टम एक्चुअली एज अ ज़ॉम्बी इस्तेमाल होता है। सो व्हाई डू दैट, जस्ट सिक्योर योर फोन यार। चलिए, यही थे दोस्तों, और जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, तो हमें नहीं करने थे, जो नई चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो आजकल हैकर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कैसे आप नलीफाई कर सकते हो, उसके लिए वीडियो था। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट वीडियो, एवरीवन शुड नो इट। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।